बारिश देखो, बारिश सुबह 10 बजने वाला है अभी, और इतनी ज़ोरदार बारिश अभी नहीं स्टार्ट हुई है, ये तो चल ही रहा है 15-20 दिन से, पिछले महीने से इनफैक्ट चल रहा है। घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पता है पूरा दिन ऐसा ही अंधेरा रहता है बिना लाइट के तो। और ऐसे ही सुबह शाम दिन रात बरस रही है, लेकिन मज़ा आता है। बारिश तो मेरा बहुत फेवरेट है, और सुबह अभी 10 बज रहा है, दिन मुझे चाय पीनी है अभी सुबह के। मैं 9 बजे उठी हूँ आज भी। आज है ना स्कूल कॉलेज बंद है, पता है हेवी रेन की वजह से। बारिश तो हो ही रही है कंटिन्यू ऊटी में, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही फोर्स में है बारिश, तो आज स्कूल कॉलेज बंद है, अनाउंसमेंट किया गया है। मम्मी बना रही है चपाती, यहाँ पर लंच का प्रिपरेशन चल रहा है, और सुबह सुबह हम लोग थोड़ा पंछियों को भी देते हैं खाने के लिए। इसके लिए 10 बजे का टाइम है अभी, मम्मी फटाफट इस जल्दी चपाती इसलिए बना रही है क्योंकि कौवे वगैरह सब आते हैं ना, कबूतर कौवे, उनको दाने के साथ चपाती भी हम देते हैं, उन लोगों के लिए जल्दी बनाया जा रहा। मुंबई में ना बारिश बहुत होती है, बहुत होती है, मतलब ये नहीं कि पूरा साल बारिश होती है, 2 ही महीना बारिश होगी, जून जुलाई अगस्त तक बारिश होगी, अगर ज़्यादा खींच लिया तो सितंबर में भी कभी कभी नवरात्रि के टाइम पे भी बरस जाती है, लेकिन फिर बिन मौसम बारिश बहुत कम हुई तो हुई, कभी दिसंबर में भी बरस गई तो गई, कभी जनवरी में थोड़ा बहुत बरस गई तो गई, लेकिन जो सीज़न है ना अभी जो रेनी सीज़न है इसमें जम के बारिश होती है और मज़ा आता है। बारिश में ना इतना आलस आता है, इतना आलस आता है, वर्कआउट के लिए मूड बनाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती खुद को ढकेल रही हूँ कि जा तुझे वर्कआउट करना है, जा तुझे पसीना बहाना है, जा जा जा, मूड ही नहीं बना पा रही, लेकिन नहीं 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 वर्कआउट करना है। और आज मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ वर्कआउट का, क्योंकि ना वीडियो बनाते हुए एक्सरसाइज करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, कैमरामैन कोई है नहीं, खुद को ही सेट करना पड़ता है, खुद को ही सब करना पड़ता है, तो मैं आज वर्कआउट कर लेती हूँ। आप लोगों ने देखा ही मेरा वर्कआउट रूटीन, तो आज मैं कैमरा ऑफ करके वर्कआउट करती हूँ। मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया है, अभी भी कंटिन्यू बरस रही है, मैं वर्कआउट कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं नहा के आ गई हूँ, फिर भी अभी भी बरसते जा रही है, बरसते जा रही है, बरसते जा रही है। सिर्फ बारिश देखने से थोड़ी पेट भरेगा, भूख भी तो लगती है ना, भूख मुझे लगी है, भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, 2 बज के गए यहाँ। बारिश में एक प्रॉब्लम होती है पता है क्या, ये देखो सिग्नल गायब रहता है, और इंसान घर में बैठ के बारिश के दिनों में मस्त कोई मूवी लगा के देखो, लेकिन सिग्नल ही गायब है, क्या करे, मोबाइल किस काम का है, इंटरनेट है ना, उसमें देख लेंगे। आज लंच में मम्मी ने बनाया है मसाला स्क्रम्बल्ड एग राइस, मसाला राइस विथ स्क्रम्बल्ड एग, पापड़ है और एक चपाती है, बॉयल पल्सेस हैं और है क्यूकम्बर, बॉयल वेजिटेबल्स भी थे लेकिन मैं वो पहले ही खा गई, बॉयल पपीता और बॉयल भिंडी। हमारे ना लंच में कुछ भी हो लेकिन हम लोग बॉयल वेजिटेबल्स ज़रूर खाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने से पहले खा गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो पहले खा गई और फिर मेन कोर्स जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया, स्टार्टर्स पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने। गिरा चूरमा बन गया चिप्स का, चिप्स ही गिरा। चाय पत्ती लेने गई थी, चिप्स का पैकेट हाथ से गिर गया, बनाना चिप्स, मम्मी ने बोला था मंची करने जैसा कुछ लाना, चाय पत्ती लेने गई थी, चाय ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती लेके आई, चिप्स लेके आई और मैं थक गई मैं इतना करके थक गई, इतना करके नहीं थकी, ये जो है ना ये बारिश के लिए पहनती हूँ लेकिन गर्मी लगती है पहनने के बाद, मैं इसके लिए थक गई हूँ, बहुत गर्मी लगती है वो जैकेट पहनने के बाद। पिक्चर क्या लेके, घर पिक्चर लेके है, घर ये पिक्चर मुझे, ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, घर फिल्म के जो सॉन्ग्स है ना, आहा एवरग्रीन सॉन्ग्स है, तेरे बिना जिया जाए ना, आरडी बर्मन के म्यूजिक है और एक से बढ़कर एक, कल भी नए थे आज भी नए हैं गाने, कल भी नए रहेंगे,
आपकी आंखों में कुछ मम्मी चाय बना रही है आज शाम की, क्योंकि मम्मी को मालूम है मम्मी की बेटी ना बहुत टायर्ड है। गोवा से आने के बाद भी कंटिन्यू मुंबई में काम चल रहा है और 2 बजे 2:30 बजे घर आ रही हूँ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है और आज फ्री हूँ तो सोचा आज का दिन आप सबके नाम कर देती हूँ और आज रात को जल्दी सो जाऊँगी तो हो सकता है कल सुबह तक मेरी नींद भी पूरी हो जाए, मैं फ्रेश होके भी उठूँ। अभी घर फिल्म देखते हुए हम चाय पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं माँ बेटी। फिर से बाहर ये मैं माँ और अभी चले आ जाओ। ओ अभी मम्मी भी जा रही है मेरे साथ और पता है कितने दिन, कम से कम 20 दिन के बाद ही, 15-20 दिन के बाद मैं और मम्मी दोनों साथ में बाहर निकल रहे हैं। बारिश में ना मम्मी बाहर ही नहीं जा रही थी, जो भी जरूरत की चीजें हैं मैं इधर नजदीक से लेके आ रही थी और आज अभी थोड़ी सी रुकी है बारिश, तो मुझे एटीएम में भी जाना है, थोड़ा और भी काम है, थोड़ा पतंजलि में भी जाना है, तो इसके लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुकी है लेकिन सब गीला गीला है, देखो कौन है बाबा इतना जोर से चिल्ला रहा है। पूरा मार्ट खाली पड़ा हुआ है, जो चाहिए था वो हमें मिल नहीं रहा है। फ्रिज पूरा खाली पड़ा है, दही है, छाछ है लेकिन दूध नहीं है। सरसों तेल का पैकेट चाहिए था, नहीं मिला तो हमने बॉटल ले लिया, चलो वो तो एटलीस्ट बॉटल तो मिल गया। 66 हो गया शॉपिंग वॉपिंग और पतंजलि में मेन जो गए थे हम दूध के लिए लेकिन दूध मिला नहीं। थोड़ा लेट हो जाते हैं ना रात को जाने में तो दूध खत्म हो जाता है, कभी कभी रहता है नसीब से मिल गया तो मिल गया, लेकिन जा तो 8 बजे से पहले जाओ। हम लोग को आज घर से निकलते हुए 7:45 बजा था और यही सारे सामान है जो लेके आई, सरसों का तेल है, कुछ ये टर्मरिक पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, क्यूमिन पाउडर, क्या क्या पाउडर है सब, रेड चिली पाउडर और मेरे ये नूडल्स के पैकेट्स है और ये वर्मिसली है यानी कि सेवई, डिश वॉश बार है, बस ये छोटे मोटे सामान, रॉक सॉल्ट है ये। और आज ना मुझे भूख नहीं लगी है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। रात को डिनर में मैं सिर्फ लेने वाली हूँ 1 ग्लास दूध और मैंने क्या हाथ में ये मैंगोज है लिए, मैं खाने वाली हूँ यानी कि हम खाने वाले हैं, मैं अकेले नहीं। बस यही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और आप लोग ध्यान रखें अपना। मैं फिर से मिलूँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।